जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बाबा श्याम की पेंटिंग अनार को यूज़ करके। तो आज एकादशी आर्ट चैलेंज का सेकंड डे है, तो इस चैलेंज में हम अनार से बाबा श्याम की पेंटिंग बनाएंगे। तो पहले आपको अनार के दानों को कूटकर उनका रस निकाल लेना है और उस रस की हेल्प से हम बाबा श्याम की पेंटिंग बनाएंगे। तो रस और बीज हम अलग कर लेंगे और उसके बाद आपको बाबा श्याम का स्केच बना लेना है। और मैं आपको यहाँ पर एक और टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, कोई भी स्केच बनाते हैं, और अगर आप कोई भी लाइट शेड्स यूज़ करते हैं तो आप एक लाइट शेड से भी काफ़ी सारी शेड्स बना सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ पर रस लिया है उसे आप डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। किसी में आप ज़्यादा वाटर ऐड कर सकते हो लाइट शेड बनाने के लिए, किसी को आप ऐसे ही रहने दे सकते हो। तो ऐसे हम डिफरेंट शेड्स बनाकर अपने आर्ट प्रोजेक्ट में, एक ही प्रोजेक्ट में हम काफ़ी सारी शेड एक ही शेड से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बाबा श्याम की पेंटिंग बना रहे हैं और आज जो हम बाबा श्याम की पेंटिंग बना रहे हैं वो हम श्रीनाथ जी की पेंटिंग से इंस्पायर होकर बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नेम है चित्रकला विद गिन्नी। वहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट्स करती हूँ कौन सी पेंटिंग आने वाली है और हम क्या यूज़ करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पर सबसे पहले मिलेगी और आप रील्स भी देख सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा बाबा श्याम का स्केच कंप्लीट हो गया। अभी हम बाबा श्याम की पेंटिंग में एक कोट लाइट शेड से करेंगे। तो यहाँ पर हमारी रस में काफ़ी पानी है तो जिससे हम लाइट शेड कर पा रहे हैं। अभी हम इसको ड्राई होने देंगे, थोड़ी देर बाद ये सूख जाएगा, उसके बाद हम सेकंड कोट करेंगे। तो फर्स्ट कोट ऑलरेडी हो चुका है और अभी हम इस पर सेकंड कोट अप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा डार्क रहेगा फर्स्ट कोट से। तो इस तरीके से भी आप शेड्स बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी अनार यूज़ करके कोई पेंटिंग बनाते हैं तो अगर आपसे शेड्स नहीं बन पाते हैं डिफरेंट्स, या अगर आपसे डार्क शेड नहीं हो पाता है, लाइट शेड ही आता है, तो आप आउटलाइनिंग के लिए कोई भी रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। रेड स्केच पेन, रेड एक्रेलिक कलर, वाटर, पोस्टर, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मॉल साइज ब्रश ही यूज़ करना है जिससे आप ईजिली सभी चीज़ बना पाएँ। Thank you.
इसमें मैंने कोशिश की है कि काफ़ी मैं लेयर्स बना सकूं, और आउटलाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर रेड एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पोमीग्रेनेट में अनार में बहुत ज़्यादा पानी था, क्योंकि वो ऑलरेडी रस था तो आउटलाइनिंग करते हुए वो काफ़ी फैल रहा था, तो अच्छे से आउटलाइनिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रेड एक्रेलिक कलर यूज़ किया है फेविक्रिल का। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, रेड कलर, स्केच पेन या मार्कर पेन, या फिर आप पोस्टर, वाटर, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको आउटलाइनिंग बना देनी है, और अगर आप पोमीग्रेनेट ही यूज़ करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, और जब आपका स्केच पूरा सूख जाएगा उसके बाद ही आप आउटलाइनिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट डे में बताया था कि जो भी कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा जय श्री श्याम लिखेगा उसे बाबा श्याम का एक स्केच एज अ गिफ्ट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए, सबसे ज़्यादा जय श्री श्याम जो भी लिखेगा उसको स्केच बाबा का कुरियर के द्वारा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, जैसे आपको भी सारी अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।